The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So kidney stones, a very, very important, very, very, very बहुत जरूरी टॉपिक है जिसको किडनी स्टोन को रीनल स्टोन भी बोला जा सकता है, गुर्दे की पथरी भी बोला जा सकता है। ये बेसिकली मिनरल्स सॉल्ट्स आपकी किडनी के अंदर जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, स्टोन बना रहे हैं, पत्थर बना रहे हैं, जो कि आपके पेशाब की नली के रास्ते में फंस रहे हैं, किडनी में फंस रहे हैं और वहाँ पे फंस के या तो घर्षण से वहाँ पर ब्लीडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन कर रहे हैं, दर्द महसूस करवा रहे हैं या तो पेशाब को बाहर निकलने से ही रोक रहे हैं और बैक प्रेशर में किडनी सूज जा रही है, जो सूज जाने को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। सो किडनी का स्टोन जो है किडनी में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, पेशाब की नली में हो सकता है, नली से या यूरिन ब्लैडर से निकलने वाले यूरेथ्रा में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट। स्टोन्स कब बनते हैं? जब किडनी यूरिन के अंदर आने वाले कुछ पदार्थ, कुछ सॉल्ट क्रिस्टलाइज हो जाएं, एक दूसरे से चिपक जाएं और इकट्ठे होके स्टोन बनाएं, राइट। तो किडनी स्टोन बन जाते हैं तो फिर वो पेशाब के रास्ते निकल भी सकते हैं। निकल जाना अपने आप में कई बार पेनफुल हो सकता है, बिकॉज आते जाते भाई स्टोन सिंपल सा गोल गोल थोड़ी होगा, स्टोन एकदम चिकना थोड़ी होगा, उसमें होते हैं एजेस, रेजर शार्प एजेस, उसमें होते हैं कटीले तीखे तीखे धार जो कच कचका के जाते हैं, टच टचा के जाते हैं, खून भी बहता है, ब्लड भी आता है, कई बार पेशाब के रास्ते में जलन भी होती है, इचिंग भी होती है और बहुत जोरदार दर्द होता है जब भी होता है किडनी स्टोन का दर्द भी जोरदार होता है। और ऑब्वियसली कई बार अगर वो ऐसी जगह फंसा है जहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, निकल ही नहीं रहा है और फंसा है बड़ा ही होता जा रहा है, तो फिर नो डाउट आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, वरना वो वहां पर पड़ा इन्फेक्शन सेप्सिस आप लोगों के ऐसी तैसी करके बैठ सकता है, किडनी को भी खराब कर सकता है। तो किडनी स्टोन अगर होगा तो वो किडनी के अंदर मूव कर सकता है, फंस सकता है, अगर वो कहीं पर भी फंसेगा कहीं पर भी तो आपको दर्द हो सकता है, सिवियर पेन। कहाँ पर? अगर किडनी में फंसेगा तो बैक में पेन होता है, किडनी में यानी रिब में, अपर रिब में बैक साइड में पेन होता है, यहाँ साइड में बैक साइड में पेन होता है, राइट लेफ्ट कहीं पर भी। और अगर वो आपके रेडिएट हो सकता है लोअर एब्डोमेन में ऐसे, या ऐसे ग्रोइन में जा सकता है, लोअर एब्डोमेन में नीचे में, ये स्टोन से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दर्द हो सिर्फ पेशाब करते समय, और या फिर लाल रंग का, पिंक रंग का, ब्राउन रंग का यूरिन भी आ सकता है, स्मेल भी आ सकती है यूरिन में, कभी कभी ऐसे दर्द इतना खतरनाक हो सकता है, इसको कोलिकी, रीनल कोलिक बोलते हैं, बहुत जोरदार दर्द होता है कि इसमें कई बार लोगों की नौजिया वॉमिटिंग निकल जाती है, इतनी जोरदार बने उल्टी आ जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट्स को जहाँ किडनी का स्टोन सिर्फ फंस के आ रहा है, रगड़ रगड़ के, ट्रैफिक जैम सा नहीं भी है फिर भी जैसा स्लो मूविंग है, तो परसिस्टेंट अर्ज होता है यूरिनेट होने का, ज़्यादा यूरिनेट कर रहे हैं, फीवर आ सकता है, चिल आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्मॉल थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब आ सकता है, ये सारे सिम्टम्स इनमें से कुछ भी हैं आपको तो आपको स्टोन हो सकता है। याद रखिए किडनी का स्टोन जो है उसका दर्द जगह भी बदल सकता है, क्योंकि किडनी का स्टोन पहले किडनी में, फिर पेशाब की नली में, फिर ब्लैडर में, फिर आगे ऐसा स्टोन हिल सकता है तो दर्द भी हिल सकता है। सो इसलिए अगर स्टोन मूव हो रहा है, डिफरेंट लोकेशन में जा रहा है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, तो भी यहाँ पर किडनी स्टोन्स के ऊपर शक जाता है, रिमेंबर। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो डॉक्टर से मिलिए। कारण हम आप ऑलरेडी आपको छोटे से बात में बताएं, किडनी स्टोन में ऑब्वियसली जब भी किडनी के अंदर कोई पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है या गाढ़ा होता है तब स्टोन बनता है। अब गाढ़ा होने के लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो पदार्थ ज़्यादा होना नहीं है, वो सॉल्ट ज़्यादा होना नहीं है, वो पानी की कमी होना है। जी हाँ, पानी की कमी, नंबर वन रीज़न फॉर किडनी स्टोन इज पीपल हु ड्रिंक लेस वाटर।
वाई इज दैट, पानी कम पियोगे तो यूरिन कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा तो फ्लो कम होगा, जब समुंदर में, जब नदी में, जब जब किसी रिवर में फ्लो नहीं होता है प्रॉपर, तो सब कुछ सारे पत्थर नीचे बैठ जाते हैं, वरना सर सर करके निकलते जाते हैं, राइट। रिवर फ्लो, जितना फ्लो उतना बेहतर, उतना अच्छा। सो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे होकर पत्थर बन सकते हैं, सिंपल कैल्शियम पत्थर बना सकते, कैल्शियम कल्ला नहीं बनाता, कल्ला मतलब अकेले नहीं बनाता, कैल्शियम जुड़ सकता है ऑक्सलेट के साथ, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सबसे कॉमन स्टोन है ऑक्सलेट स्टोन्स, याद रखिएगा, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम, और इनके स्टोन्स बनते हैं, सिस्टीन स्टोन बनते हैं, जो कि आपके किडनी स्टोन्स में बनते हैं। सो नंबर वन इज द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ये ऑक्सलेट नेचुरली फूड में मिलता है, इसमें कैल्शियम कम करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सलेट कम करने की ज़रूरत होती है। ऑक्सलेट मिलता है हमारे जितने भी बीजे वाली चीज़ें हैं उनमें, बीजे वाली चीज़ें में, नट्स में, चॉकलेट्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, राइट। और जो लोग हाई डोज लेते हैं, जिनको विटामिन डी का हाई डोज ले रहे हैं, जिनको इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी हो रखी है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उनके केस में भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनने के रिस्क बढ़ जाते हैं। कैल्शियम स्टोन्स कैल्शियम फॉस्फेट भी बन सकते हैं, याद रखिए, लेकिन ये किसी को अगर किडनी की बीमारी है, सीकेडी जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ऐसे लोगों में ज़्यादा कॉमन है, नॉर्मल लोगों में फॉस्फेट स्टोन बहुत रेयरली पाए जाते हैं। उसके बाद में इन्फेक्शन, अगर पहला इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पर स्ट्रूवाइट स्टोन बनता है। स्ट्रूवाइट इज डिफरेंट, नॉट कैल्शियम एग्जैक्टली, बट इट्स अ इट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्पॉन्स टू द इन द किडनीज, इन द ब्लैडर, इन द यूरेटर, यूरेथ्रा, कहीं पे भी इन्फेक्शन है उसके रिस्पॉन्स पे स्टोन बन सकता है। यहाँ पर स्ट्रूवाइट स्टोन बोलते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, याद रखिए, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं ये, इसमें सब कुछ मिक्स होकर बन जाता है, कैल्शियम फैल्शियम सब मिक्स हो जाता है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का भी डिपॉजिट हो सकता है, यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, पानी कम पी रहे हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो यूरिक एसिड भी, या हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, दारू ज़्यादा पी रहे हैं, ऐसे लोगों में यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है, तो दारू कम पीना है, ऑब्वियस सी चीज़ है, प्रोटीन थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसे लोगों में यूरिक एसिड स्टोन होता है। और सिस्टीन स्टोन है चौथा प्रकार का स्टोन, सिस्टीन स्टोन होता है हेरिडिटरी डिसऑर्डर, यानी कि अगर पुश्तों से सबको किडनी स्टोन हो रहा है तो सिस्टीन स्टोन हो सकता है। सो ये सिस्टीन, यूरिक एसिड, स्ट्रूवाइट और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, ये सबसे कॉमन टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं, याद रखिए। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, यानी स्टोन हो चुका है फैमिली में किसी को या खुद को, या अगर आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेटेड हो, या किसी खतरनाक प्रकार की डाइट ले रहे हो, बिल्कुल ही हाई प्रोटीन डाइट, बिल्कुल ही लो प्रोटीन डाइट, बिल्कुल ही जीरो कार्ब डाइट, या सॉल्ट ही नहीं खा रहे, शुगर ही नहीं खा रहे, तो या बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ऑपरेशन करा रखा है, कोई मेडिकल कंडीशन, कोई बीमारी की है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स या फिर ट्यूबुलर एसिडोसिस, किडनी की बीमारी, तो आपको इन सब चीज़ों में रिस्क हो सकता है किडनी की प्रॉब्लम का। सो फाइनली हाउ विल यू डायग्नोस, डायग्नोसिस किडनी स्टोन का होता है टेस्ट से। जी हाँ, टेस्ट करने होंगे, किडनी स्टोन सस्पेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला जो टेस्ट होता है यहाँ पर होता है इमेजिंग। जी हाँ, यहाँ तीन प्रकार के टेस्ट हैं, लेट मी टेल यू, देयर इज इमेजिंग टेस्ट, देयर इज ब्लड टेस्ट, देयर इज यूरिन टेस्ट। जी हाँ, पेशाब, खून और इमेज। इमेज का मतलब है कि आपका यूरिनरी ट्रैक, पेशाब के रास्ते को देखा जाता है, आपके किडनी को, आपके यूरेथ्रा को, आपके ब्लैडर को, इन सबको देखने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या सीटी स्कैन, ये तीन चार ऑप्शन, इवन एमआरआई भी ऑप्शन है, तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन, KUB बोलते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, KUB, किडनी यूरेथ्रा ब्लैडर बेसिकली। सो इन तीनों को देख लेंगे, एक्सरे KUB, USG यानी अल्ट्रासाउंड KUB, सीटी स्कैन कंप्यूटर सीटी KUB, ऐसे कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं किडनी का, ऐसे चीज़ों में क्या, ऑब्वियसली देखिए, बड़ा स्टोन है तो एक्सरे में दिख जाएगा, अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा, माइन्यूट सा टुचुम टुचुम, छोटे छोटे स्टोन है, कंकर पत्थर है, तो वो सीटी स्कैन में दिख जाएंगे, राइट। और बेसिकली MRI की जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली, लेकिन कई बार अगर हमें डाउट है कि ये कैंसर तो नहीं है, कुछ और उल्टा सीधा तो नहीं है, तो फिर दूसरे कर सकते हैं टेस्ट, लेकिन जनरली सीटी स्कैन में दिख जाता है। सीटी में और एक्सरे में एक और चीज़ आती है जिसमें हम उल्टा इंट्रावीनस पाइलोग्राफी भी कर सकते हैं और सीटी यूरोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली इंजेक्ट करते हैं डाई डालते हैं आपके वेन में, जो कि आपकी जो ये जो पेशाब में जाती है तो वो हर नली प्रोमिनेंटली दिख जाती है, प्रोमिनेंट दिख जाएगी, तो पता चल जाएगा उसमें छोटू सा भी स्टोन है तो। सो इंट्रावीनस पाइलोग्राफी बोलते हैं इसको, या सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, सीटी यूरोग्राम।
दोनों में डाई यूज होता है, और अल्टीमेटली लास्ट में आप अंदर से ऐसा सिस्टोस्कोप भी डाल सकते हैं, यूरेथ्रोस्कोप या किडनी तक एंडोस्कोप डाल के देख सकते हैं। ये बेसिकली डायरेक्ट देखने वाली बात होगी, इमेजिंग। इनडायरेक्ट टेस्ट जो होते हैं वो यूरिन और ब्लड के होते हैं। यूरिन और ब्लड में क्या देखेंगे, 24 आवर यूरिन कलेक्शन किया जाता है, 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन किया जाता है। उसमें देखे जाते हैं कई स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स कौन से है, ऑक्सेलेट ज़्यादा है, सिस्टीन ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, स्टोन क्या ज़्यादा है उसमें देखा जाता है। ब्लड में भी देखा जाता है कि ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है, ऑक्सेलेट या फिर कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, ऐसी चीज़ें देखी जा सकती है। इवन स्टोन निकल जाए, स्टोन आ जाए, पक 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 बाहर गिर जाए, तो उसका टेस्ट करना ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा इजी होता है कि ये स्टोन मिल गया, ये भाई साहब किस प्रकार का है, ये ऑक्सेलेट स्टोन है, चलो ऑक्सेलेट बंद करें, ओके ये सिस्टीन स्टोन है, चलो मैं प्रोटीन बंद करूं, स्ट्रोवाइड स्टोन है, इन्फेक्शन ढूंढे, समझ रहे हो। ऐसे स्टोन पकड़ के लैब में जाना सबसे आसान सबसे अच्छा होता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल वेक्टर है जी, सिंपल, स्मॉल, छोटे स्टोन के लिए या कोई सिम्टम नहीं है, मिनिमम सिम्टम है, कभी कभार दर्द होता है तो ऑपरेशन की जरूरत ना है, आपको करना होगा सिंपल 3 स्टेप। नंबर 1, पानी खूब पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना है 3 लीटर, 3 से 4 लीटर तक पानी पी सकते हैं आप, 3 लीटर बढ़िया पानी पीजिए रोज का, ताकि आपकी पेशाब जोरदार आए और जो स्टोन है वो फ्लश हो जाए। सबसे ज़रूरी, इफ़ यू डोंट ड्रिंक इनफ फ्लूइड, जब तक आपका पेशाब पीला आ रहा है तब तक आप सही से पानी नहीं पी रहे, अनलेस आप मल्टीविटामिन ले रहे हो, वरना सही मात्रा में पानी पीना शुरू कर दीजिए। पेन किलर्स खाने पड़ सकते हैं जी हाँ, क्योंकि भाई साहब थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो भी दर्द हो रहा है, ज़्यादा हो सकता है, तो पेन किलर की जरूरत पड़ सकती है माइल्ड पेन रिलीफ करने के लिए। उसके लिए ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, एसिटामिनोफिन, पैरासिटामोल, सिंपल सी दवाई दी जाती है। और तीसरी जो दवा है मेडिकल थेरेपी, वो दी जाती है आपको किडनी स्टोन का रास्ता खोलने के लिए, मतलब कि पेशाब की नली को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ऐसी दवाई होती है अल्फा ब्लॉकर्स। ये बेसिकली यूरेटर, जो पेशाब की नली है उसके जो मसल्स हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करती हैं, और उससे क्या होगा स्टोन थोड़ा सा रिलैक्स मोड से आसानी से और जल्दी पेन के बगैर पास होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये 3 तरीके से ट्राई की जा सकती है, मगर किंतु परंतु इसकी भी एक साइज लिमिट है। अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है तो चांसेस कम है कि वो पास होगा, 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो चांसेस हैं कि वो पास हो जाएगा। याद रखिए, भगवान ने हरेक की उंगली का साइज, हरेक के गले का साइज, हरेक के शरीर का साइज ऊपर नीचे बनाया है, तो हरेक के अंदर पेशाब की नली का साइज भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन एवरेज साइज ये है, तो एवरेज एवरेज है, लेकिन हरेक में अलग अलग सिस्टम हो सकता है, इसलिए हरेक में सिंपल नहीं होता, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन अगर ज़्यादा बड़ा स्टोन है तो करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। नंबर एक ट्रीटमेंट, स्टोन अगर ज़्यादा है तो उसको तोड़ना होगा, तोड़ सकते हो या ऑपरेट कर सकते हो, दो ही तरीके हैं। तो देर आर सम मेथड्स, लाइक नंबर 1 इज साउंड वेव से उसको तोड़ दिया जाए, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL। इसमें शॉक कर दिया जाता है, 1 घंटा लगता है, बढ़िया से थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं आपका स्टोन जो है वो तोड़ दिया जाता है शॉक देके। ये शॉक दिया जाता है कुछ लोगों में कुछ प्रकार के स्टोनों पे, और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। एक तरीके का ट्रीटमेंट हुआ ये। दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट है सर्जरी। बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो चुपचाप से कई बार परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्स, नेफ्रोलिथोटॉमी किया जा सकता है, सर्जिकली स्टोन निकाल दिया जा सकता है, टेलीस्कोपिकली, एंडोस्कोपिकली बेसिकली, या फिर प्रॉपर ओपन सर्जरी करके भी किया जा सकता है, और अंदर से भी स्कोप डाला जा सकता है यूरेट्रोस्कोप से, जैसा हमने कहा था, वो स्कोप डाल के भी वहाँ पर एक कैमरा देता है, तो अंदर जाके जहाँ स्टोन है उस स्टोन को लोकेट करके तोड़ तोड़ के बाहर निकाला जा सकता है, या फिर अगर कभी यहाँ पे मिल गया कि स्ट्रक्चर है तो वहाँ स्टंट लगा दिया जा सकता है कि वो फैल जाए तो स्टोन अपने आप निकल जाए, ऐसी चीज़ें की जा सकती है। और अगर लग रहा है कि कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा है शरीर में और उसका कारण है पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके शरीर में वो ग्लैंड है जो कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो हड्डी से कैल्शियम निकाल के खून में डाल देता है, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है तो हड्डी से कैल्शियम निकल के खून में ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो जहाँ भी कैल्शियम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ज़्यादा मिलेगा, सो स्टोन भी जल्दी बनेगा। सो ऐसे केस में पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाला जा सकता है, जो 4 होते हैं आपके ग्लैंड के पीछे टोंग टोंग बटन के जैसे, 2 इधर 2 इधर, उनमें से 1, 2, 4 को निकाला जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। तो आपके केस में ऑपरेशन की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, ये आपके डॉक्टर बताएंगे, यूरोलॉजिस्ट सर्जन, बेसिकली यूरोसर्जन बताएंगे, ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर वही है, बाकी फिजिशियन भी बता सकते हैं। प्रिवेंशन के मैं बता चुका
को पानी खूब पीना है, ऑक्सलेट रिच डाइट नहीं, मतलब ऑक्सलेट फूड कम खाना है। सबसे कॉमन स्टोन ऑक्सलेट वाला है, उसमें बीजे वाली चीज़ें टमाटर हो गया, सीड्स हो गए, पालक हो गए, ऐसी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। इसको कभी स्टोन हुआ नहीं, उसको जरूरत नहीं है ऐसे कुछ टेंशन लेने की। सॉल्ट एंड एनिमल प्रोटीन्स थोड़ा सा कम रखें, ऐसा नहीं कि नहीं खाना, खाना है डिपेंडिंग अपॉन। और अगर अपने मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं, अपना मेडिकल चेकअप करा के ध्यान रखें कि जो भी आपको जिस प्रकार का स्टोन है उसके हिसाब से आप डाइट लें अपने डॉक्टर से बात करके। तो ये हुई पूरी की पूरी विपणन जानकारी आपके लिए स्टोन के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दुनिया के अंदर अभी तक। अगर आपको पता है तो हमें लिख दीजिए, हम भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वाले में ये ऐड करके। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, और ठंड में आप लोगों को बहुत बहुत ठंड की मुबारकबाद दें, और हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, व्हाटएवर, थैंक यू, ओके।